बुडमो का बैग. बुडमो क्या है? वेल, अब तक आप जानते होंगे बुडमो आदि ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स. और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स. चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए. और सबसे बढ़िया चीज़ ये कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में. अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से, वो ले सकते हैं. महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं. तो जाइए और चेकआउट करिए budmo.com को. तिरिलिया The experts when it comes to online spare parts. आपका स्वागत है हमारे चैनल पे. आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे Desire ZXi variant के बारे में. अब this is not the top of the line variant, but हाँ ये top of the line variant का base variant आप समझ सकते हो. ZXi Plus optional वगैरह ये सब भी उसमें आते हैं. ZXi Plus में actually headlight unit के ऊपर काम किया गया है. उसके अंदर LED DRLs introduce हो गई हैं और projected lamps आ जाती हैं. यहाँ पर वो नहीं है, ये basic ही lamps आपको देखने को नजर आएगी. और ये काफ़ी हद तक आपको LXi VXi में ऑफर होने वाली जो हेडलाइट यूनिट्स है वही असेंबली दी गई है. रिफ्लेक्टर का ज़्यादातर जो है वो पार्ट पे यूज़ किया गया है. राइट साइड में टर्न इंडिकेटर, बीच में हेलोजन यूनिट और ऊपर यहाँ पर आप जो है वो देख पा रहे होंगे इसके क्लियर लैम्प्स. अब अगर आप जरा नीचे देखोगे तो यहाँ पर फॉग लैम्प्स की जो है वो हाउसिंग ब्लैक कलर की दी गई है और रेगुलर ही बल्ब आपको फॉग लैम्प में दिया गया है. हालांकि जो क्रोम का एक्स्ट्रा पार्ट है वो ज़रूर काफ़ी ब्रॉड यहाँ पर रखा गया है. अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्रिल में भी काफ़ी पार्ट जो है वो आप क्रोम का इस्तेमाल होते हुए देखोगे. और दो सेक्शन से इसका कट किया गया है, इधर और उधर दोनों ही. बहुत बड़ा सा जो है वो एयर डैम ये बनाता है और काफ़ी अच्छा लगता है. ऐसा कोई कैरेक्टर लाइन स्पेशल तो ऊपर नहीं है, बट हाँ एक कर्व ज़रूर ये जो है वो यहाँ पर महसूस मैं कर पा रहा हूँ. फिट एंड फिनिश और पैनल गैप जो है वो काफ़ी एक्यूरेट है. कोई प्रॉब्लम उसके पैनल्स पे भी फिट एंड फिनिश को लेके नहीं है. अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ में आ रही है और क्रोम का अच्छा इस्तेमाल किया गया है. ज़्यादा चंकी वगैरह क्रोम ऐसा नहीं है कि आंखों में चुभ रहा है या बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं है. अगर आप यहाँ ओवरव्यू में भी देखेंगे तो डुअल टोन दिया गया है. नीचे वाला पोर्शन ब्लैक, ऊपर वाला जो है वो बॉडी कलर्ड और टर्न इंडिकेटर के साथ में यहाँ पर भी जो है वो ओवरव्यू को इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में ऑफर किया जाएगा. अब देखो इस गाड़ी के साथ में ये हालांकि 2017 से आई बिलीव हाँ सेम ही तरीके से आ रही. को ज़्यादा इसके अंदर फेर बदल नहीं किए गए थे, छोटे मोटे ट्विक्स किए गए थे. बट हाँ मैकेनिकल कुछ चेंजेस हुए थे इसके ब्रेक असेंबली में, इसके स्टेयरिंग कॉलम में और आइडल स्टार्ट स्टॉप इस वाले इंजन के साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. आइडल स्टार्ट स्टॉप नॉट पुश स्टार्ट स्टॉप, ये तो ये ध्यान दीजिएगा. आइडल स्टार्ट स्टॉप वो SHVS टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी है कि आप अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए तो ये फ्यूल बर्न नहीं करेगी, बंद हो जाएगा इंजन. इस तरीके से आइडल स्टार्ट स्टॉप और SHVS में हल्का फुल्का सा जो है वो आप अंदर देखेंगे. हालांकि अगर मैं यहाँ पे अलॉय व्हील्स की बात करूँ तो ये सिंगल टोन अलॉय व्हील्स हैं और यहाँ पर आप जो है वो ब्रेक के साथ में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स ऑफर होते हुए देखेंगे. ब्रेक कैलिपर्स इसके हालांकि सिल्वर मेटालिक फिनिश के साथ में ही ऑफर किए गए हैं. 185/65 रेडियल 15 इंचज के टायर्स हैं और यहाँ पर जो है वो मैकफर्सन स्ट्रट्स का जो है इस्तेमाल किया गया है. सो अभी चलते हैं यहाँ पर और ये बॉडी कलर्ड ही आपको जो है वो हैंडल बार देखने को नजर आएंगे. ये जो हैंडल बार्स हैं इनके अंदर आप रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर होते हुए देखेंगे. अब ये जो रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं वो इस साइड और इस साइड, आई बिलीव इस साइड भी हो. मारुति अक्सर जो है वो दोनों तरफ जो है वो रिक्वेस्ट सेंसर देती है. कुछ इस तरीके से जो है वो गाड़ी के अंदर आप इंग्रेस करेंगे. हालांकि हम लोग अभी पहले एक साइड प्रोफाइल को ही जज कर लें अच्छे से. क्रोम की लाइनिंग अच्छी काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पर जो है वो क्रोम का इस्तेमाल अच्छा किया गया है. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बी पिलर आपको इस तरफ ये दिया गया है, यहाँ पे ए पिलर. बी पिलर में जो है वो ब्लैक का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर किया जाएगा. और आप अगर हॉरिजॉन्टली इसको देखेंगे तो ये विंडो जो है वो काफ़ी हॉरिजॉन्टली माउंटेड ज़रूर है, वर्टिकली इसको उतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया गया. विंडो एरिया आपका हालांकि ये काफ़ी बढ़ाने वाली है यहाँ पे. अब रियर प्रोफाइल की अगर मैं जब बात करता हूँ तो यहाँ से देखिए ये काफ़ी अपडेटेड लगती है पीछे से. और इसके अंदर जो आने वाली टेल लाइट यूनिट है वो स्प्लिटेबल नहीं है, एक ही पार्ट उसका यूज़ किया गया है. हालांकि LEDs का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, एटलीस्ट इन ब्रेक लाइट्स और या नाइट लाइट जो होती हैं उसके अंदर. यहाँ पर हालांकि टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट दोनों में ही जो है वो आपको हैलोजन का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा. चार सेंसर्स आपको नीचे जो है वो दिए गए हैं रिफ्लेक्टर यूनिट के साथ में. और यहाँ पर जो है वो क्रोम का काफ़ी मोटा सा इस्तेमाल किया गया है. अब देखिए गाइस ज़रा सा बात कर लेते हैं इसके साथ में आने वाली की फॉब की. तो ये जो की फॉब है इसके अंदर आप चार बटन देखेंगे. लॉक, लॉक से गाड़ी लॉक हो जाएगी, एक अनलॉक और एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है बूट का. तो ये आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा. और ये देखिए
पीछे से बूट खुल जाएगी, मैजिक हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखें, ये 378 सीटर का बूट है, प्रीटी डिसेंट इनफ बट नॉट द बेस्ट इन सेगमेंट। इसके सेगमेंट में आने वाली टिगोर एंड अमेज बहुत अच्छा बूट स्पेस ऑफर करती हैं, 419 एंड 420 रेस्पेक्टिवली। लोडिंग लिप ज़रूर है यहाँ पर, और कोई इस तरीके से जो है वो कवरिंग नहीं दी गई है इन केबल्स के बीच में। लाइट ज़रूर आपको एक ऑफर कर दी गई है, बट कोई इंसान नीचे से भले ही क्यों ही देखेगा, उस हिसाब से भी देखा जा सकता है, यहाँ ज़रूर देख सकता है। तो यहाँ जो है वो एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं दी गई है इसके बूट पे, तो केबल्स वगैरह जो है वो अटैच्ड ही दिखाई देंगे। फिलहाल इसको बंद करते हैं गाइस और इंग्रेस करते हैं इस गाड़ी के अंदर, तब मैं आपको और चीज़ें इस गाड़ी के बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ज़रा बात कर लेते हैं डुअल टोन ट्रीटमेंट में आने वाला गेट। अब यहाँ पर वुडनिश फिनिशिंग दी गई है, हालांकि जो ये डुअल टोन ट्रीटमेंट है उसको लाइटर एंड पर रखा गया है लोअर वाला पार्ट, और ये वाला जो है वो बेज कलर के पैनल के साथ में आएगा। बहुत सारे बटन्स आपको इधर मिलेंगे, लॉक अनलॉक और विंडोज से रिलेटेड, ORVM से रिलेटेड। इधर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इंग्रेस करेंगे, काफ़ी इजी इंग्रेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानी यहाँ पर होने वाली है इंग्रेस को करते टाइम। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ, लेदरेट टच के साथ में, अगेन वुडनिश फिनिशिंग जो है वो मैच करती हुई जो विंडो पैनल पे भी दी गई है, इधर भी दी गई है, और इसके इंटीरियर डैशबोर्ड पर भी दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब ज़रा बात कर लेते हैं स्टेयरिंग कॉलम की। स्टेयरिंग कॉलम में राइट साइड के कंट्रोल्स ऑफर नहीं होते हैं, लेफ्ट साइड में आपको एक जॉयस्टिक एंड लेफ्ट राइट का बटन, नीचे जो है वो कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के बटन जो है वो आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से इंजन स्टार्ट ऑफ बटन दबाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से इग्निशन पे इसको लेके आ जाते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड सिंबल्स की, बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल्स इधर बीच में भी दिए गए हैं, एक यहाँ पर MID दी गई है। ये जो पर्टिकुलर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे थोड़ा सा इंटरेक्टिव सा लगेगा, इधर से भी डायल्स जो हैं उसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेफ्ट साइड में टर्न इंडिकेटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, और बीच में जो है वो अच्छी MID दी गई है। अब ये जो MID है, हालांकि ये कोई भी TFT कलरफुल MID नहीं है, जो इस सेकंड में आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन्हें बहुत ही कम आप देखोगे। कॉम्पैक्ट सेडान्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप प्रीमियम हैचबैक्स में देखेंगे तो इसी की होम ग्रोन बर्लिनो आपको देखने को नजर आएगी कलरफुल TFT के साथ में। एल्ट्रोज इज वन सच कार एंड ऑल्सो द i20। यहाँ पे दो बटन जिससे आप MID को कंट्रोल कर सकते हो और अलग अलग मोड्स यहाँ पर जो है वो स्विच कर सकते हो। अब इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूज़ होता है ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसका टच रिस्पॉन्स प्रीटी डिसेंट है, और ऐसा बहुत मतलब आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस तो इसकी नहीं कह सकते, बट हाँ ओके इट गेट्स द वर्क डन। अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस मैं इसकी कहूँगा, हालांकि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का आप लिए जैसे फीचर्स के साथ में आता है, नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल आपको जो है वो काफ़ी याद दिलाने वाला है, क्योंकि कुछ इस तरीके का पैनल आप बहुत सारी मारुति की गाड़ियों में जो है वो देखते हैं। 12 वोल्ट का UDC सप्लाई एंड अगेन USB यहाँ पर भी दी गई हैं आपको, यहाँ पर जो है वो कैन होल्डर्स, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है। अब ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है 4-स्पीड ट्रांसमिशन स्पीड के साथ में एक्चुअली आता है, और आप इसको ड्राइव मोड से मैनुअल मोड पे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ड्राइव पे कर देता हूँ, या बेटर है न्यूट्रल पे कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो पार्किंग ब्रेक जो मैनुअल है, और इधर कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स, काफ़ी डीप जो है वो ग्लव बॉक्स ऑफर होता हुआ नजर आएगा। IRVM की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो डे नाइट आपको IRVM मिलेगा, ये ऑटोमेटिक हालांकि नहीं दिया है, मैनुअल ही दिया गया है। इधर भी जो है वो कार्ड होल्डर दिया गया है, तो आप कार्ड वगैरह जो है वो इस पोर्शन पे अपना रख सकते हैं। इधर जो है वो आप देखेंगे कि लाइट है दी गई है, तो ये ऑन ऑफ के स्विचेस यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है वो आपको पैनल दिया गया है जिसको हम लोग सनवाइजर भी कहते हैं, और वहाँ पर मिरर दिया गया है, वैनिटी मिरर, हालांकि कोई लाइट वगैरह नहीं है, एक ग्रैब हैंडल इधर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूज़ होने वाली अपहोल्स्ट्री की, तो ये काफ़ी अच्छी है, इसका डिज़ाइन काफ़ी नीट लग रहा है, बट हाँ इसके अंदर हालांकि अभी भी हल्के से बल्जेस जो हैं वो ज़रूर आ रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे देखने को नज़र आई। 12 वोल्ट का DC सप्लाई इधर आपको मिलने वाला है, जो कि रियर रो के लिए है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं पीछे वाली रो में और वहाँ चीज़ें चेकआउट करते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे डुअल टोन ट्रीटमेंट और वाटर बॉटल वगैरह रखने की जगह है, और इधर जो है वो आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो है वो नी रूम कुछ इस तरीके की, और कुछ इतना जो है वो आपको लेग रूम ऑफर होता हुआ नज़र आने वाला है।
हालांकि हेडरूम जो है वो काफी लिमिटेड है गाइस, और मेरे यहाँ पे सर जो है वो काफी टच हो रहा है, उस लिहाज से जो है वो ये हेडरूम थोड़ा कम लग रहा है मुझे। शोल्डर रूम हालांकि प्रीटी डिसेंट है, नॉट द बेस्ट बट इट गेट्स द जॉब डन। दो लोग बहुत इजीली यहाँ पे आएंगे, तीन लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या जरूर होगी। अंडर थाय सपोर्ट इज नीट, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, एंड रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। हालांकि ये जो एसी की वेंट्स हैं उनको अगर आप देखोगे तो उनकी पोजिशनिंग अपवर्ड्स दी गई है, तो आपको डायरेक्शन चेंज करनी ही पड़ेगी इन एसी वेंट्स की। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप इनकी वॉल्यूम वगैरह भी कम कर सकते हैं और साथ ही साथ इनका फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि टेम्परेचर वगैरह के लिए कोई भी स्पेशल बटन या फिर कोई कंट्रोल नहीं दिया गया है, क्योंकि इन सेगमेंट में ब्लोवर्स जो हैं वो फ्रंट वाले ब्लोवर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। रियर में भी यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा जो है वो आपको टनल गैप भी मिलेगा, और एक आर्मरेस्ट आपको इधर जो कि अच्छी तरीके से बनाया गया है उसके अंदर कप होल्डर्स भी ऑफर किए गए हैं। अब लाइट्स की बात करें तो एक पीछे भी लाइट दी गई है, हालांकि इनकी पोजिशनिंग ऐसी रखी गई है कि यह फ्रंट में भी यूज़ हो सके और रियर में भी यूज़ हो सके। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अगेन, और कोई भी कोट हुक वगैरह जो है वो इधर नहीं दिया गया है। तो ओवरऑल एक अच्छी स्पेस है, यू कैन अकोमोडेट 4 people इन दिस कार प्रीटी डिसेंटली। आपको हेडरेस्ट भी जो है वो एडजस्टेबल मिलते हैं इस वाले वेरियंट में, तो ये भी अच्छी बात है। सो गाइज हम लोग फिलहाल हैं इसके इंजन बे में। अब इंजन बे की अगर मैं बात करूँ तो ये 1.2 liter का पेट्रोल इंजन है, जो तकरीबन 90 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 113 Nm का टॉर्क। जो टॉर्क फिगर्स हैं या पावर फिगर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लगभग इतनी ही जो है वो पावर फिगर्स इस गाड़ी में आप ऑफर होते हुए देखते हो इंजन में, लेकिन रिफाइनमेंट और पंची ये काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पंची इंजन लगता है, नो डाउट। NVH और कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे जो है वो इंसुलेशन देखेंगे, बट ये नहीं भी होता तब भी कोई ज़रूरत इसमें महसूस नहीं होती, क्योंकि ये लिटरली बहुत रिफाइंड इंजन है एंड वन ऑफ द बेस्ट इंजन है अपने सेगमेंट का। अभी भी मैं ये इंजन ओवर फिगोस इंजन या ओवर ओराज इंजन मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ, फिगो एस्पायर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये अपने सेगमेंट का बेहतरीन इंजन है नो डाउट, बट हाँ माइलेज भी सबसे बेहतर देता है अपने सेगमेंट। तो फिलहाल जो है वो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में, अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।